मैं विक्रम पटवाल आज पहुँचाऊँ कल्जीखाल ब्लॉक में। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो ये स्वरोजगार योजना का कार्यक्रम चल रहा है, आज 13 तारीख को रोस्टर के तहत कल्जीखाल ब्लॉक में स्वरोजगार का मेला लगा है। देख सकते हैं आज काफ़ी बारिश भी हो रही है। चलते हैं देखते हैं किस प्रकार से स्वरोजगार मेला चलता है। आप लोग भी देता है कि अब धीरे धीरे करके सरकार जो है रोजगार के रूप में स्वरोजगार को विकसित कर रही है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार अपना रोजगार चुन करके जिस विभाग से आप मदद चाहते हैं वो विभाग आज आपके उसमें उपस्थित है, और आपके अगर कोई जानकारी हो तो आप अपनी जानकारी भी और या आप कोई जानकारी देना चाहते हैं या उनको पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं वित्तीय समन्वय श्री भट्टी को आमंत्रित करता हूँ कि वो तमाम जानकारी आपको एनआरआरएम संबंधी देने का कष्ट करेंगे। श्री भट्टी सर, ये कल्जीखाल ब्लॉक में आज ये स्वरोजगार का मेला लगा था, तो इसमें कौन कौन से विभाग से यार लोगों को क्या जानकारी दी गई? इसमें लगभग सारे विभाग, कृषि, पशुपालन, उद्यान, बैंक, पर्यटन, उद्योग, सारे विभाग करीब इसमें थे, सारे विभाग जिनको आना था। और ये जो कार्यक्रम है ये पूरे जनपद में विभिन्न तिथियों में आयोजित किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि प्रत्येक ब्लॉक में स्वरोजगार के इस प्रकार के शिविर लगाए जाएँ जिसमें स्थानीय जो बेरोजगार लोग हैं उनको जानकारी मिले, वो लोग अपने स्वरोजगार अपनाएं और अपना जीवन यापन करें, ये मेन उसका मकसद था। आज करीब सारे विभाग में लोग यहाँ पर आए। सर, जानकारी देने के लिए जो थे लोग, तो ये क्या जिले से अधिकारी आए थे या कहीं और से? विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि जिले से भी, जिला स्तर के भी आए थे और स्थानीय स्तर के जो हमारे विकासखंड स्तर के हैं वो लोग भी यहाँ पे आए थे। और क्योंकि आज दुबड्डा में भी कैंप है तो कुछ लोग दुबड्डा भी गए हैं, संभवतः है। 13 तारीख को दुबड्डा और यहाँ कल्जीखाल ब्लॉक में इसका आयोजन था और काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे, लोगों ने अपनी बातें भी रखी, विभागों ने सारी जानकारियाँ लोगों को दी, प्रत्येक विभाग से विभाग ने अपनी योजना के बारे में बताया और लोगों को अधिक से अधिक जो है योजना का लाभ लेने के लिए बताया गया। चलिए, आज रोजगार जो मेला लगा था इसमें लगभग कितने युवक यहाँ पे शामिल हुए होंगे? इसमें करीब 35 लोग यहाँ पे आए हैं, जो हमारे रजिस्टर के हिसाब से रजिस्टर में जो अंकन हुआ है 35 लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया और विभागों से उन लोगों ने अपनी जानकारियाँ ली हैं, विभागों से कई लोगों ने संपर्क किया है, उनसे आवेदन पत्र भी लिए हैं। अभी हम विभागों से भी ये सारी वो ले रहे हैं इंक्वायरियाँ कि किसके पास कितने आवेदन पत्र आए हैं और उसका हम सारा जिला स्तर पर यहाँ से पूरी रिपोर्ट यहाँ से भेजेंगे। तो ये एक प्रकार से ये सफल रही है सर प्रोग्राम? असल में एक तो मौसम लगातार ख़राब हो रहा है, 2-3 दिन से बारिश के कारण लोग ज़्यादातर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आशा थी उतने लोग नहीं आ पाए, पर फिर भी काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे और ये मैसेज लोगों तक चला जाएगा कि भविष्य में कभी इस प्रकार के आयोजन हों तो अधिक से अधिक लोग आएंगे
और इसका फ़ायदा उठाएंगे। मेरी ये आशा सभी लोगों से है, और क्योंकि बिना रोज़गार के कुछ भी नहीं है। अगर हम कुछ काम करेंगे तो अपना रोज़गार भी चलाएंगे, उसे दो चार लोगों को और भी काम देंगे अपने साथ में नौकरी। सर आप अपना परिचय देंगे। सर नमस्कार, मैं धनंजय प्रसाद भट्ट, ग्रामीण वित्त समन्वयक उपासक, ग्रामीण विकास विभाग पौड़ी गढ़वाल से। और आज विकासखंड कल्जीखाल में एक दिवसीय स्वरोजगार कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें खंड विकास अधिकारी महोदय के नेतृत्व में सभी विभागों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुख्य रूप से आज इस स्वरोजगार कैंप का जो उद्देश्य था, जो हमारे जितने भी जो है बेरोजगार भाई है, स्वरोजगार पर योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए उत्तराखंड शासन द्वारा एवं जिला प्रशासन द्वारा एक दिवसीय स्वरोजगार कैंप का आज विकासखंड कल्जीखाल में आयोजन किया गया। सर ये जो आज कैंप हुआ यहाँ पे स्वरोजगार मेला जो लगा, तो इसमें कितने बच्चों लोगों ने प्रतिभाग लिया होगा? लगभग इसमें 50 लोगों ने जो है प्रतिभाग किया, जिसमें कि हमारे पर्यटन विभाग से हमारे 3 लोगों ने आवेदन प्राप्त किए, ग्राम उद्योग विभाग से 9 लोगों ने आवेदन प्राप्त किए, जिसमें कि ग्राम उद्योग विभाग द्वारा MSY PMEGP योजना की जानकारी दी गई, और NRLM के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह द्वारा 11 समूह द्वारा यहां पर प्रतिभाग किया गया, जिसमें कि भारतीय स्टेट बैंक, जिला सहकारी बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा NRLM स्वयं सहायता समूह को CCL जानकारी प्रदान की गई, तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी गई। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा ए जावा।